बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली से कोविड नियमों की अनदेखी के चलते नांगलोई के बाजार को बंद कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने पर यह सख्ती बरती गई है। दिल्ली के नांगलोई में दो बाजारों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा था, उल्लंघन हो रहा था। दिल्ली की पंजाबी बस्ती मार्केट और जनता मार्केट पर यह कार्रवाई हुई है। 4 से 6 जुलाई तक ये दोनों बाजार बंद रहे। कोरोना नियमों की अनदेखी आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके आर्थिक हालात को भी चोट दे सकती है, क्योंकि अब सरकार कोताही बरतने के मूड में नहीं है। और जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बाजार पूरा का पूरा बाजार बंद कर दिया गया है। पंजाबी बस्ती मार्केट नांगलोई और इसके साथ साथ जनता मार्केट है, वो दोनों को ही SDM ने बंद करने के आदेश दे दिए हैं। आप देख सकते हैं पूरी मार्केट जो है अभी बंद है, पुलिस की तैनाती की गई है। वजह यही है कि यहाँ कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा था, जिस पर रिपोर्ट बनाकर SDM ने भेजी, जिसके बाद जो DDMA हैं, निर्णय लिया गया कि मार्केट को बंद कर दिया जाए 3 दिन के लिए। इस तरीके की व्यवस्था जो है 4, 5 और 6, ये 3 दिन जो हैं ये मार्केट दोनों बंद रहेंगी, जिसके लिए, और अगर किसी ने बीच में खोलने की कोशिश की तो उस पर कार्रवाई होगी। इस तरीके की स्थिति है। इससे पहले लक्ष्मीनगर मार्केट को बंद किया गया था, और उसके बाद लक्ष्मीनगर मार्केट के बाद जो है वो गांधीनगर में भी कई दुकानों पर कार्रवाई हुई है, और अब ये कार्रवाई जो है पंजाबी बस्ती जो है मार्केट वहाँ पर नज़र आई है, जहाँ पर पंजाबी बस्ती मार्केट और साथ साथ जनता मार्केट को पूरी तरीके से 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली के नांगलोई बाजार से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। इससे पहले लक्ष्मी नगर मार्केट में भी बाजार को बंद कर दिया गया था कोविड नियमों की अनदेखी के चलते। ऐसे सख्त एक्शन की जरूरत है ताकि लोग समझें कि स्थितियां गंभीर हैं और उन्हें कोविड नियमों का पालन करना ही होगा। दुकानदारों को भी ये बात समझनी पड़ेगी, मार्केट एसोसिएशन के लोगों को भी ये बात समझनी पड़ेगी।